एक फॉर्मूला होता है गूगल शीट में, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो अब ये कैरेक्टर्स जो लिखे हुए हैं, इनको हमें एक कोड में कन्वर्ट करना है। वो कोड कैसा होगा, अब मैं आपको दिखाता हूं। लाइक यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, कोड, CODE, कोड लगा दिया हमने, ओके। अब यहां पे क्या करता हूं, पहले इसको सेलेक्ट करता हूं, यानी एस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहां पे कोड फॉर्मूला लगाता हूं डायरेक्टली, देखिए यहां पे इज इक्वल टू के निशान के साथ लगाइए कोड, ठीक है। तो यहां पर एस को सेलेक्ट किया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। तो अगर मैं एस को सेलेक्ट करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, तो सजेस्टेड फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यानी कि एस का कोड जो है 115 है, यू का कोड 117 है, आर का कोड 114 है, ये ASCII कोड है, ठीक है। अब इसको वापस से अगर इसी फॉर्मेट पर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें यूज करना है कैर, CHAR। तो ये कैर फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए और आप वापस से उसी फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, तो यहां पर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए ये पूरा ऑटो सजेस्टेड ऑटोफिल, और यहाँ पे ये पूरा यही का यही जो यहाँ पे लिखा हुआ था, सेम वही चीज यहाँ पर भी आ चुकी है। तो ये आप कोड और कैर के मदद से ये इस तरह का ट्रिक कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है और मजा भी आएगा काफी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।